करना अभी करना, ये एक्चुअली ना अभी गाड़ी साफ कर रहा है। हम लोगों ने एक्चुअली जो नया शॉकअप निकाला जो कि आप लोगों ने देखा रहेगा, तो आगे जाके ना पूरा का पूरा रिव्यू निकाल के ना आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ठीक है? तो बने रहो ब्लॉग में, तब तक छपे के ना गाड़ी साफ कर रहे कि चमक नहीं दिखनी चाहिए। सो फाइनली आप लोगों को जो है इस वाले ब्लॉग में मैं बताऊँगा कि अपने जो रेस ZR है ना यामा की, इसका एक्चुअली 2 साल हो गए एक्चुअली गाड़ी को अपने, बट ये गाड़ी में ना इश्यूज़ क्या निकले हैं उसके बारे में बात थोड़ा सा करूँगा। तो डे में शूट करने का था बट डे में ना अभी इतना कुछ टाइम नहीं मिल पाया। स्टार्टिंग में जब वीडियो देखा ना आप लोगों ने इसका शॉकअप का है, वो आप लोग से पहले डिस्कस करता हूँ मैं कि सीन क्या हुआ था। दिख रहा है कि नहीं? हाँ ओके, दिख रहा होगा। तो ये हम लोगों ने ना यामा का ऑफिशियली शॉकअप लगाया जो कि हाइब्रिड का है, और इसका जो ओल्ड वाला था ना उसका ना ऑयल लीक होने लग गया था, तो उसके चलते ना अगर आप इस पर गाड़ी पे बैठे थे तो वो था टक टुक ना आवाज़ जैसा आ रहा था। इसका टायर भी देखो हमने C8 का चेंज कराया है, ये भी समथिंग ना 30,000 किलोमीटर के बाद ये वाला टायर हमने बैक का चेंज किया है। आगे तो अभी तक का प्रॉपर चल रहा है। तो अभी ना सीन देखो मैं बता दूँ पहले कि सबसे पहली बात तो ये गाड़ी का जो शॉकअप है ना वो ख़राब क्यों हुआ था, उसका रीज़न ये है कि जब ओवरलोड होता है ना गाड़ी पर, एक वो रीज़न है। उसके बाद अपने शफीक भाई की गाड़ी है, उसने ना भाई खड्डे में ना बहुत ज़ोर का ये गाड़ी को ना भाई मतलब वो किया था, मतलब जंप कराया था, उसके चलते ना उसका शॉकअप जो है ना ख़राब हो गया था, ठीक है? और यहाँ पे भी डैमेज वगैरह है जो कि भी दिख रहा नहीं होगा बिकॉज वो नाइट का टाइम है, बट मैं डे में आके एक बार ये वाला मतलब व्लॉग बनाऊँगा अलग से। इस वाले वीडियो में इतने डिस्कस करेंगे इसका जो भी टायर वगैरह चेंज किया है और जो इसका शॉकअप है वो चेंज किया। सबसे पहली बात तो भाई वेट, इसका सीट यहाँ पे किया, इसका सीट खुल गया और आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोगों ने क्या परचेस किया है, ठीक है? वेट चलो, तो ये आप लोग यहाँ पे देखो पहले कि लिखा है यामा, ठीक है? तो यार सर्दी भी ज़्यादा हो गई इसके चलती प्रॉब्लम हो रही। हम लोग ने ये इसके लिए लगाया ना बिकॉज इसमें ये मेड इन इंडिया का आया है। दैन इसमें जो कॉस्ट हम लोग को लगा है वो आपको बता दूँ, इससे पहले एक चीज़ दिखा था। ओके, पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं आप लोगों को, ये पूरा का पूरा ऑयल ख़राब हो गया। देखो इसका पूरा ऑयल ना इसका ना छूट गया है, तो वो ऑयल छूट गया ना उसकी वजह से थोड़ा इसका इशू हो गया, बट कोई बात नहीं। इसका रीज़न क्या था मैंने आपको बता दिया, पूरा बन रखता है यार पूरा हाथ में ना वो ब्लैक ब्लैक वाला जो ऑयल रहता है ना पूरा वो लग गया हाथ में। इसको पहले रखते हैं अपन कर दे। तो ये हम लोगों ने ना आज चेंज कराया है जो कि जो शॉकअप था वो 1100 रुपये का आया था, बट ये जो शॉकअप है ना 1100 रुपये का आ रहा था, बट ये जो गाड़ी है ना ये है रेस ZR हाइब्रिड का। बाकी नारायण लोग तो वहाँ पर रुके हैं। ये जो गाड़ी का शॉकअप है ये हम लोग को 1300 का आया है, 200 रुपया एक्स्ट्रा लगा पाया था। इसमें अभी भी ऑयल लीक हो रहा है क्या? मे भी ऑयल लीक हो रहा है इसमें, तो देखना पड़ेगा यार, ऑयल लीक हो रहा है अभी भी। लेट्स सी, हम लोग ना कल चेक करते गए, अभी भी ऑयल लीक हो रहा है तो फिर न्यू लगा के मतलब क्या हुआ? कोई बात नहीं, इसको हम लोग कल चेक करते कि अभी अंधेरे में तो दिख भी नहीं रहे। तो ये जो न्यू शॉकअप लगाया ना इसका टोटल प्राइस हम लोग को हुआ है 1300 रुपीज़ का, जो कि इसका बिल वगैरह यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और टोटल ओवरऑल चार्ज इसका एक्चुअली 1500 के आसपास हुआ है। उसका रीज़न ये है कि जो वहाँ पे मैकेनिक थे ना उन्होंने इसको पूरा गाड़ी का पार्ट्स वगैरह खोल के इसको लगाने का फिटिंग करने का चार्जेस वगैरह लिया था उसका एक बाइक का ना। बट एक ये स्कूटी का ना एक बात बताऊँगा, इसका जो इनिशियल पिकअप है ना वो भी अच्छा है बिकॉज ऑफ रेस ZR का ये 125 cc में आता है। और भी चीज़ें हैं इसको डिस्कस करने के लिए, बट अभी इस वाले ब्लॉग में इसके लिए नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ऑफ रात भी ज़्यादा हो गए और सीट का पोजीशन भी इस तरीके से है। इसमें आप आराम से फुल फेस का हेलमेट भी रख लो यार। अभी इसका एक सीन बताता हूँ कि ये जो कवर हमने लगाया है ना, ये हमने सीट कवर लगाया है, ये सीट कवर आपको मिलेगा 100 रुपीज़ का। अब ये प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि ये थोड़ा सा ना बैठ रहा नहीं, इसको आप ऐसा पुश करोगे ना इसको ज़रा आवाज़ आ रहा है, बट ये बैठ ही नहीं पा रहा है। वो भी एक सीन है इसका, वो भी कवर करेंगे बाद में जाके। बाकी इसका हम लोग को शॉकअप का ही प्रॉब्लम था, शॉकअप का मैं देख रहा हूँ उसके बाद भी शॉकअप का इशू दिख ही रहा है मुझे।
गाड़ी जा रही तो लाइट ना बरोबर दिख रहा नहीं है, गाड़ी से ढक जा रहा है। चौकअप अभी भी लीकेज हो रहा है यार, लेट्स सी, कोई बात नहीं, आगे देखें, कल दिन में ट्राई करेंगे इसको। बाकी तो मैं कुछ इस वाले लोकेशन पे आके इसके लिए रुका था, बिकॉज यहाँ पे ना गाड़ियाँ भी कम है और ऊपर से मैं वॉइस ओवर करूँगा, मतलब इसमें जो मेरा वॉइस भी आप लोगों को अच्छे से सुनाई देगा, तो बाद में ना वॉइस ओवर करना पड़ता है यार वीडियो में, उसमें ना और दिक्कत होता है, एक एक पार्ट्स का नाम ले लेके बताना पड़ता है बराबर, उसमें भी अलग ही दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, तो बाकी तो कुछ नहीं, और इस बात में अगर आपको आपके पास में भी रेस रडार है तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, चलो बाय बाय।